हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम आपको बेल्ट वाली ब्लाउज बताएंगे सीधे कपड़े पर, जो कि सीधे कपड़े पर ही मैंने आज तक आपको बताई हुई है कट करना। तो आज ये मैं आपको फ्रंट पार्ट बता रही हूँ, क्योंकि बैक पार्ट जो है आपको मैंने ज़्यादातर हर एक पार्ट उसमें बताया है जो ब्लाउज़ की कटिंग की है, तो मैंने आज स्किप कर दिया है वो बैक वाला पार्ट, मैं उसको नहीं बता रही हूँ। तो ये हमारा देखिए मेजरमेंट लिया हुआ है मैंने। लंबाई हमारी 14.5 इंच, अपर चेस्ट है 38 इंच, चेस्ट है 41 इंच, कमर है 34 इंच, शोल्डर है 15 इंच, आर्म होल है 18 इंच, गला है आगे का 7, पीछे का 9, बस्ट पॉइंट है 10.25 इंच, बेल्ट है 12.5 इंच, बाजू की लंबाई है 14 इंच और बाजू की चौड़ाई है 14 इंच, बाजू की लंबाई है 4 इंच, सॉरी बाजू की चौड़ाई है 14 इंच। और देखिए अब आगे का गला हमारा 7 इंच है और शोल्डर है हमारा 15 इंच, तो 15 इंच का 7.5 हो गया आधा। तो हमारा अगर जो बैक पार्ट है 9 इंच है, सॉरी 9 इंच है बैक पार्ट का जो गला है, तो हम उसके हिसाब से कटिंग करेंगे। तो हम 5.5 से शोल्डर ले लेंगे सीधा सीधा, और 3 इंच पर मैंने ये मार्क लगा दिया है शोल्डर का, और नीचे से ये आर्मोल का मार्क लगा दूंगी मैं 6 इंच पर। और ये 7.5 इंच पर मैं ऐसे करके निशान लगा दूंगी, तो हमारा 7 इंच ही आ जाएगा गला। और नीचे से भी मैंने शोल्डर को 5.5 इंच ही ले लिया था, और अपर चेस्ट हमारी 38 इंच है, तो 38 का 4 हिस्सा हम लेंगे 9.5 इंच, तो हम 0.5 इंच प्लस करके निशान लगा देते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर एक टक्स आता है, तो 0.5 इंच का हमारा टक्स आ जाएगा। तो हम 10 इंच पर निशान लगा देंगे। अब मैं देखिए इसका राउंड नापूंगी, जो आर्म होल का राउंड होता है मेन वो यही होता है। तो देखिए ये सही आ रहा है, तो हमारा आर्म होल इसमें 18 है, तो हमारा 9.25 इंच आ रहा है, तो थोड़ा सा ढीला चल जाता है लेकिन टाइट नहीं चलता है, इसीलिए हमारा ये सही है बिल्कुल। तो हम बेल्ट वाला निशान लगाएंगे। बेल्ट हमारी 12.5 इंच है, तो हम इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा करके ले लेंगे, 0.25 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो मैं देखिए 13.5 इंच पर निशान लगा देती हूँ, और जो हमारा बस्ट पॉइंट है 10.25 इंच पर, तो इससे 0.5 इंच एक्स्ट्रा मैं निशान लगा देती हूँ। तो हमारा 11.5 इंच पर ये बस्ट पॉइंट का निशान आ गया है। जो नीचे का हिस्सा है वो मैं बेल्ट का निशान लगा देती हूँ, और ये 4 इंच पर मैंने ये जो टक्स है उसका निशान लगाया हुआ है, और 1-1 इंच का दोनों तरफ ये निशान लगाया हुआ है। तो ये हमारा 2 इंच का टक्स हो जाएगा। तो मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इजीली तरीके से बता रही हूँ, और फिर भी आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना। आप ये मत सोचना कि इसने गलत बताया या क्या किया, अगर आपके दिमाग में कुछ आइडिया आए तो आप मुझे ज़रूर शेयर करना। तो मैंने ये दोनों टक्सों को भी ऐसे करके लगा दिया है। अब देखिए हम चौथा टक्स को ऐसे करके निकालते हैं, तो ये हमारा जैसे टक्स जा रहा है तिरछा के हिसाब से, तो देखिए इसे हम 3 इंच की दूरी पर ले लेंगे। और अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना, और अगर आपको कुछ भी मेरी जानकारी गलत या कुछ भी लगे तो आप मुझे कमेंट करके वो भी बता सकते हो। तो देखिए कमर हमारी 34 इंच है, तो मैं ये कमर का जो टक्स वाला हिस्सा है उसे छोड़ते हुए कमर का निशान लगा दूंगी। जितनी भी आपकी कमर हो उतना आपको निशान टक्स को छोड़ते हुए लगाना है, क्योंकि हमारा 2 इंच का टक्स है, और आप टक्स को भी मिला लोगे उसमें तो आपकी कमर का जो मार्जिन है वो तो बचेगा ही नहीं। और ये देखिए 0.5 इंच का जो मैं 0.25 इंच का जो आगे हिस्से में मैंने कपड़ा छोड़ा हुआ था, तो इसे हम ऐसे करके तिरछा करके निशान लगा देते हैं, क्योंकि जो हमारा यहाँ से टक्स लगता है ना तो वो अंदर की साइड में घुस जाता है यहाँ से कपड़ा, तो चेस्ट में फ़र्क पड़ जाता है थोड़ा सा,
तो अब मैंने देखी नीचे की बेल्ट निकाल दी है अलग, और गले की को भी निकाल देती हूँ। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सीधे आपके पास आ सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना, और लाइक करने में भी कोई भी कंजूसी मत दिखाना फ्रेंड, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, बाय।